नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज का विशेष कार्यक्रम सीधी बात। आज इस कार्यक्रम में हम मिलेंगे श्री ज्ञानेन्द्र पांडे जी से। ज्ञानेन्द्र पांडे जी जिला सतना के नागौद तहसील के निवासी हैं। श्री पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के नागौद एवं जसो मंडल के मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने बताया कि आगामी पंचायती राज चुनाव में उनकी पत्नी श्रीमती आशा पांडे जी वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी होंगी। श्री ज्ञानेन्द्र पांडे जी ने बताया कि यदि हम चुनाव में विजयी होते हैं तो हमारी प्राथमिकता हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में जल का संकट बना रहता है, जिसके लिए प्रशासन को अवगत करवाकर छोटे छोटे बांध बनवाए जाएं। हमारे यहाँ केवल अमकुई बांध है जो जल का एकमात्र विकल्प है। यदि इसकी गहराई और ऊंचाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्र की जनता को सिंचाई एवं पीने के लिए जल मिल सकेगा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए अपने जसो क्षेत्र में एक महाविद्यालय का प्रारंभ करवाने की बात, जिससे क्षेत्र के बालक बालिकाओं को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। श्री ज्ञानेन्द्र पांडे जी ने कहा कि हमारे क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्टेडियम नहीं है। अतः प्रशासन से स्टेडियम निर्माण की मांग की जाएगी, जिससे हमारे क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके। जी, मैं ज्ञानेन्द्र पांडे एक छोटे से ग्राम झिंगोदर का निवासी हूँ और नागौद तहसील के अंतर्गत यह मेरा गाँव आता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता सन 1988 में ली थी। तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करता आया हूँ। वर्तमान समय पर मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े दायित्व में तो नहीं हूँ, लेकिन इसके पूर्व मैं लगातार ग्राम पंचायत के स्थानीय समिति से लेकर और मंडल अध्यक्ष तक रहा हूँ। नागौद मंडल जब था तो मैं 2011 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व सौंपा था। मैंने पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ 2016-17 तक मैंने मंडल अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह किया। इसके बावजूद जब नागौद से जसो मंडल अलग हुआ तो जसो मंडल का मुझे फिर से पुनः दायित्व मंडल अध्यक्ष का दिया गया। मैंने पुनः पूरी निष्ठा के साथ निरंतर संगठन का काम करता रहा हूँ। यही मेरी अपनी राजनीतिक जीवन का रहा है। मैंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी में संगठन के रूप में काम करता चला आ रहा हूँ। जिला पंचायत का यह वार्ड 6 नंबर वार्ड है सतना जिले का। यह वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित वार्ड है। मेरी श्रीमती आशा पांडे ग्राम पंचायत की सरपंच भी रह चुकी हैं और पंचायत का अनुभव भी है। मैं भी कई बार इस ग्राम पंचायत को का संचालन कर चुका हूं, इसलिए मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं इस बार जिला पंचायत के सदस्य के रूप में जनता की सेवा करूं। जनता की सेवा करने का अवसर अगर मुझे मिला तो निश्चित तौर पर यह जो क्षेत्र हमारा सरकार की योजनाओं का लाभ से वंचित है, मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि मेरे यहाँ के सभी हरिजन भाई, आदिवासी भाई जो पढ़े लिखे नहीं हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ, जिन्हें मध्य प्रदेश की सरकार का एवं भारत सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, मेरा पूरा फोकस रहेगा कि उन योजनाओं का लाभ उन गरीब आदिवासी महिलाओं, विधवाओं तक पहुँचे जिन्हें सरकार की मंशा है उन्हें लाभ पहुँचाने का, यही मेरा फोकस रहेगा। रही बात युवाओं के बारे में, हमको हमारे क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अच्छे अच्छे लड़के हमने इस बार से देखा है और कई वर्षों से निरंतर देख रहे हैं, क्रिकेट के मैदान पर, कबड्डी के स्तर पर अनेकों ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्हें हम आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में कहीं भी ऐसा, किसी भी ग्राम पंचायत में ऐसा स्टेडियम, ऐसा खेल का मैदान नहीं है जिससे हमारी प्रतिभाएं को निखार मिल सके और वहां प्रशिक्षित लोग उनको प्रशिक्षण दे सके। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हर ग्राम पंचायत पर, और हर ग्राम पंचायत पर नहीं तो जनपद क्षेत्र स्तर पर एक फर्स्ट क्लास का स्टेडियम का निर्माण हो, जिससे हमारे खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी भाई वहां से खेल करके और आगे निकलें और हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। तीसरी बात है शिक्षा के मामले में, तो निश्चित तौर पर यह विगत कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी 95 से, तब दिग्विजय सिंह की सरकार में हर मोहल्ले में शिक्षा गारंटी शालाएँ खोल दी गई थी,
वर्तमान की हालत यह है कि ना वहाँ पर कोई बालक हैं, छात्र छात्राएं हैं, और शिक्षक तो हैं, शिक्षक जाते हैं, लेकिन वहाँ बालक ही नहीं है, छात्र ही नहीं है। निश्चित तौर पर एक शाला परिसर हो जिस पर सभी, और ग्राम पंचायत पर शाला परिसर भर नहीं, अनेकों जुत्ती भर शासकीय क्रियान्वयन के लिए भवन हमको उपलब्ध कराना चाहिए, एक ही परिसर पर भवन उपलब्ध हों, ऐसी मेरी योजना रहेगी कि एक ही हर ग्राम पंचायत में एक परिसर पर सभी शासकीय योजनाओं का लाभ वहां पर हो, ग्राम पंचायत भवन हो, पीएचई विभाग हो, बिजली विभाग की ऑफिस हो, वहां पर समस्त योजनाएं जहां से क्रियान्वित होती हैं एक जगह पर हों।